हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस हूं एक और डीसी के सुपर विलन की ओरिजिन स्टोरी के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटमैन के सुपर विलन पॉइजन ईवी की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो अगर आप डीसी फैन हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पॉइजन ईवी, जिसका असली नाम डॉक्टर पामेला इसले था, वो कहें तो गॉथम साइंटिफिक डिपार्टमेंट में एक बायोजेनिक और म्यूटेशन रिसर्चर थी। यानी इसका ये काम था कि वो कहें तो अलग अलग टाइप की प्लांट्स स्पेशीज और एनिमल स्पेशीज के बीच में क्रॉस करते थे और कहें तो नए नए सीरम ईजाद करते थे जिससे इंसानियत का भला हो सके। वो मनी मन अपने हेड प्रोफेसर को चाहती भी होती है। अब उसका जो हेड प्रोफेसर होता है वो बाहर से तो बहुत शरीफ इंसान होता है पब्लिक सामने, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बुरा इंसान होता है। वो प्लांट्स और इंसानों के जीन्स के बीच में क्रॉस करना चाहता होता है और वो ये रिसर्च कर रहा होता है मैनेजमेंट से छुपा के। वो एक सीरम ईजाद करता है लेकिन जो शायद खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो चोरी छुपके किसी ह्यूमन सब्जेक्ट पे कहें तो रिसर्च करना चाहता था इस सीरम की। अब उसे पता होता है कि पामेला जो है वो उसे मन ही मन लाइक करती है, तो वो क्या करता है, उसे अपने प्यार में फंसा के ये सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इस सीरम का पामेला की बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके अंदर म्यूटेशन होने लग जाता है, यानी कि उसकी बॉडी हरी पड़ने लग जाती है। और पामेला ये बात गौर करती है कि वो प्लांट्स को भी कंट्रोल कर सकती है टेलीकाइनेसिस से। उसकी बॉडी पे किसी भी बैक्टीरिया और वायरस का असर खत्म हो जाता है। अब क्योंकि जो पामेला होती है वो कहें तो इतना ज़्यादा उसके दिमाग पे असर पड़ता होता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से कहें तो प्रभावित हो जाती है और कहें तो क्राइम वर्ल्ड की तरफ मुड़ जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल क्राइम करने में करती है। वो गौथम शहर को धमकी देती है कि वो मशरूम पोर्स पूरे शहर में फैला देगी जिससे सब लोगों की बॉडी में मशरूम निकल आएंगे और उनकी पूरी बॉडी जो होगी वो दम घुटने से मर जाएगी। और उसके बदले में खूब सारा एक्सटॉर्शन मनी मांगती है। उसको सब लोग एक्सटॉर्शन मनी दे देते हैं और वो उन पैसों से लेके गौथम शहर के बाहर कहें तो अपना एक जंगल में घर बसा लेती है और कहें तो एक तरीके से रिटायर हो जाती है कि अब मुझे क्राइम वर्ल्ड में नहीं जाना है, अब मुझे यहीं प्रकृति के बीच में रहना है। लेकिन उसने पहले कई जुर्म किए होते हैं इसलिए बैटमैन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अरेस्ट करके आर्कम असाइलम भेज देता है। लेकिन पॉइजन ईवी आर्कम असाइलम से भाग निकलती है और कहें तो जो पैसा उसने पहले अर्न किया होता है वो इस पैसे के थ्रू कहें तो गौथम शहर से बाहर एक डिजर्टेड आइलैंड, यानी कि सुनसान आइलैंड होता है, तो वहाँ पे जाके अपना कहें तो नया कैंप बना लेती है और वहाँ पे अपनी प्लांट स्पेशीज के साथ रहने लग जाती है। लेकिन जो US गवर्नमेंट होती है वो नए वेपन कहें तो बनाती है और उनको इस वेपन को टेस्ट करना होता है। तो सोचते हैं कि ये जो डेजर्टेड आइलैंड है यहाँ पे हम लोग अपने वेपन्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस डेजर्टेड आइलैंड पे पॉइजन ईवी कहें तो अपना अड्डा बना चुकी है। बहरहाल उस वेपन का टेस्टिंग की जाती है और पूरे आइलैंड को तहस नहस कर दिया जाता है, जिससे पॉइजन ईवी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो रिटायर होना चाहती थी लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने उसके आइलैंड को नष्ट कर दिया। तो वापस गौथम शहर लौट के आती है और कहेगी कि गौथम में हर जिंदा इंसान को मार डालेगी, तभी उसका बदला पूरा होगा। वो सबसे पहले मारेगी बैटमैन को। तो बैटमैन और पॉइजन ईवी जो हैं वो कई बार टकराते हैं लेकिन हमेशा बैटमैन क्या होता है पॉइजन ईवी के नाम काम को नाकाम कर देता है। तो पॉइजन ईवी बैटमैन के उन सुपर विलन में से एक है जिनके पास सुपर पावर मौजूद है, क्योंकि बैटमैन के जितने भी सुपर विलन हैं उनके पास सुपर पावर मौजूद नहीं है। पॉइजन ईवी का जो लाइव एक्शन है वो हमें देखने को मिला था बैटमैन एंड रॉबिन मूवी में, जिसमें कहें तो किल बिल वाली हीरोइन जो हमारी थी उन थॉम्पसन, उन्होंने इस रोल को किया था। और बैटमैन की वीडियो गेम सीरीज़ में और एनिमेटेड सीरीज़ में हमें ये कैरेक्टर देखने को मिल चुका है। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी पॉइजन ईवी के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।